हाय लर्नर्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन, एक अनदर टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर का जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म और अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, व्हिच इज रेस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज हैपन और व्हाट विल हैपन इन दिस फिनोमिना और इन दिस प्रोसेस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था लर्नर्स, कि जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ एसोसिएट उसके ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं ना कि ऑर्गन सिस्टम जो बन रहा है वो ऑर्गन्स से मिलकर बन रहा है, राइट? सो यहां इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये फिगर जो है ये कहीं ना कहीं आपको बता रही होगी कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर देखने को मिल ही रहा होगा। तो अगर मैं एक मेजरली बात करूं, क्योंकि हम लोग इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो स्टडी नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी मैं जिस रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में हम सिर्फ रेस्पिरेशन और उसकी प्रोसेसेस के बारे में, ह्यूमंस के अंदर और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर भी एक नज़र मार लेते हैं, जैसे कि आपको लंग्स देखने को मिल रहे हैं जो मेजर ऑर्गन है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके अलावा आपको यहाँ पर, इन लंग्स के अलावा आपको यहाँ पर जो है ये उसके अंदर के पार्ट एल्वियोलाई जो यहाँ पे मेंशन्ड है, उसके अलावा राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई, ये एक लॉन्ग विंड पाइप आपको देखने को मिल रहा है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, है ना, ये कुछ पार्ट्स हो गए। हम लोग उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसको जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यानी कि सर अगर हम वो बात नहीं कर रहे तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन टर्म के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व कैसे होता है। तो यहां दो तरह से रेस्पिरेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है। नंबर एक अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कहूंगा ब्रीदिंग। क्या कहूंगा मैं इसको? कहूंगा ब्रीदिंग नंबर एक। और नंबर दो पर मैं रखूंगा किसको? सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। किसको रखूंगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन को मैं इसके अंदर रखूंगा। सर ये दोनों टर्म क्या हैं जरा समझाइए, क्योंकि हमने एक टर्म तो सुनी है जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। सर ये चीज तो हम जानते हैं, लेकिन ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है जरा इसके बारे में भी हमें बताइए, ठीक है जी। अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। सो नॉर्मली अगर मैं बोलूं लर्नर्स, तो आप समझेंगे कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं हम इसको? नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हम इसको नाम देते हैं। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी क्या आप क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, कि जो CO2 होती है वो आउट करते हैं हम लोग, है ना, यानी कि बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं। और जो आपकी O2 होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है आपकी, उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। क्या करते हैं? इनहेल करते हैं इसको हम, यानी कि इन करते हैं, ठीक है, इन करते हैं या इनहेल करते हैं। ये तो होता है साहब आपका नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन को बोलते हैं कि जब एक सिंपल फूड से एनर्जी निकलती है ना, मान लीजिए कि ये आपकी फूड है, कोई सिंपल फूड, सिंपल फूड इन द सेंस कि आपकी बॉडी में जा चुका है। ये क्या है? ये कोई सिंपल फूड है, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ये कोई सिंपल फूड है।
ये आपकी बॉडी में जा चुका है, चला गया। अब इससे हमें क्या लेना है, सिंपल फूड इन द सेंस ये कि ये आगे जाके सिंपल फूड बन गया। जब ब्रेकिंग हुआ ना, जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई डाइजेशन की, तो वहां से एक सिंपल सब्सटेंस बन गया। अब इससे क्या निकली, इससे निकली एनर्जी, और इससे और एनर्जी निकली, और ये एनर्जी जब आपकी सेल्स तक पहुंचती है, जब सेल्स इसको यूटिलाइज कर रही हैं या जब ये सेल तक पहुंच रही हैं, तब हम इसको नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। ये कंडीशंस जो हैं ये कई बार इन द प्रेजेंस भी होती हैं और कई बार इन द एब्सेंस भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या टर्म देते हैं हम इसको, सेलुलर रेस्पिरेशन का। और दूसरा ब्रीदिंग हो गई, ये हुई रेस्पिरेशन इन्वॉल्व। सर इसके कोई टाइप्स भी होते हैं या फिर सिर्फ इतना ही है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेसिंग है ये किस तरह से होती है। सबसे पहले जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। जब हम बात करते हैं एरोबिक के बारे में, तो एरोबिक को बच्चों हम क्या बोलते हैं लर्नर्स, एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है इसका मतलब, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा एरो, एरो का मतलब क्या हो गया, एयर। क्या हो गया, एयर। और एयर में क्या प्रेजेंस है, एयर में प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं एनारोबिक, एनारोबिक नो मतलब एयर नहीं है। तो जब एयर नहीं है या एयर की सप्लाई कम है, लेस हो सकती है या फिर ना हो, क्रॉस मतलब नहीं है, एरो नीचे मतलब लेस है, एरो नीचे मतलब जब लेस है, तो ऐसे में क्या होगा, यानी कि ये जो कंडीशन है ये कौन सी हुई, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये चीज हमें देखने को मिलती है। क्या ये बात समझ आई? सर बहुत अच्छे से आई, बिल्कुल। तो आगे बताइए, आगे होता है ये कि हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखने को मिलता है और दूसरी तरफ हमें एक एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या कंडीशंस देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी कि आपने सेल वाला चैप्टर प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। प्रीवियस क्लास मतलब जब आप क्लास 9th में रहे होंगे कभी, राइट। तो वहां उससे रिलेट करूंगा मैं, थोड़ा सा करूंगा, ज्यादा नहीं। एरोबिक और इसमें जब डिफरेंशिएट आता है तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि ये जो है ये कहां होता है, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये आपको कहां देखने को मिलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कहां होता है, इसके लिए क्या लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हमने ये बोल दिया। उसके अलावा ये जो प्रोसेसिंग है एरोबिक की, एरोबिक को चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यानी कि ये जो प्रोसेसिंग होगी रेस्पिरेशन की, यहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। ये जो अकर होती है ये कहां होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, जो क्या बना रहा है, जो एनर्जी बनाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। जबकि जो एनारोबिक होती है वो आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है, राइट। तो समझते हैं ना कि न्यूक्लियस के बाहर जब हम देखते हैं तो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं वेरियस सेल ऑर्गेनेल, उसी में से एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यहां जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे एंड प्रोडक्ट्स कुछ और निकलेंगे। यहां जब आप बात करते हैं तो इसके आपके एंड प्रोडक्ट्स कुछ और निकलते हैं जब प्रोसेस कंप्लीट होती है, और यहां जब हम बात करते हैं तो यहां एक एंड प्रोडक्ट अलग निकलते हैं। सर ये एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये नहीं समझ आया। एंड प्रोडक्ट्स का यहां पर मतलब है कि जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी, जब आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा ना, तो ऐसे में कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि आपका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। एनर्जी तो बनेगी बनेगी, एनर्जी तो निकलनी है, लेकिन
यहां इस कंडीशन में एनर्जी ज्यादा निकलती है, जबकि यहां इस कंडीशन में एनर्जी कम निकलती है। बात अगर मैं करूं एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यहां जो बनते हैं एंड प्रोडक्ट्स, वो बनते हैं आपके इथेनॉल एंड आपका लैक्टिक एसिड। ये हमें देखने को मिलते हैं इन कंडीशंस में, लैक्टिक एसिड, ठीक है जी। उसके अलावा यहां हमारे एंड प्रोडक्ट इसके ये नहीं बनते, मतलब इथेनॉल और लैक्टिक एसिड नहीं बनते इस कंडीशन के अंदर। यहां जो हमारा एनर्जी है, वो एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा हमें एनर्जी जो है वो देखने को मिलती है, ज्यादा जो है वो एनर्जी हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, जबकि इस कंडीशन में हमें एनर्जी जो है वो कम देखने को मिलती है, ठीक है। आगे अभी हम देखेंगे इस पूरे चार्ट, इस पूरे डिफरेंशिएशन की वजह से अभी आपको एक इंपॉर्टेंट चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां जब हम बात करते हैं इसमें जब हम बात करते हैं, तो यहां एनर्जी कैसी होती है, यहां एनर्जी जो रिलीज होती है, मैंने कहा ना ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, यहां एनर्जी लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, जबकि जब हम यहां एनर्जी के बारे में बात करते हैं ना, तो यहां एनर्जी जो है वो लेस अमाउंट में देखने को मिलती है। किस अमाउंट में, एरो नीचे, मतलब लेस अमाउंट में देखने को मिलती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमें इस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। बाकी की चीजें आपको जो सपोर्ट करेगा, वो दूसरा जो चार्ट है आपका, वो आपको हेल्प करेगा, जैसे कि हम इसमें देखते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर बात करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस कॉन्सेप्ट में से, इस चार्ट पे लगभग 10 में से 8 या 9 बार बोर्ड्स में सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये चार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक और एनारोबिक पे सवाल जरूर पूछा जाता है, 10 में से 8 या 9 बार ऐसा होगा कि इसके ऊपर सवाल जरूर पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। होता क्या है कि आपने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, राइट। ये जो प्रोसेसिंग हुई, ये कहां पे हुई, ये हुई साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल का न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स देखने को आप लोगों को मिलते हैं, वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये चीज आपने क्लास 9th में पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है। हुआ क्या कि साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेसिंग हुई, बना क्या, पाइरुवेट बना। पाइरुवेट क्या है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है, दोबारा बोलो, क्या है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है पाइरुवेट। सर इसका फॉर्मूला कोई बिल्कुल जैसे कि C3H4O6, ठीक है जी। क्या लिखा मैंने, C3H4O3। तो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। ऐसे में अब हुआ क्या, हुआ ये कि आगे की जो प्रोसेसिंग है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक जगह आप देखेंगे लिखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी जगह आप इसमें देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरी कंडीशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहीं ना कहीं ये चीज हमें समझ आ रही है कि जो हमने अभी कंडीशन पढ़ी एरोबिक और एनारोबिक की, वही इस चार्ट के ऊपर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा ही पूछा जाता है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है हमें यीस्ट में देखने को मिलती है, जहां पर इथेनॉल बन रहा है, और इथेनॉल जो है वो एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जिसका फॉर्मूला होता है C3H5OH, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला हो गया आपका C3H5OH, ये इसका फॉर्मूला हो गया, राइट। अब हम इसमें क्या देखते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है, सॉरी, C3C2
मिस्टेक अगेन, सो सॉरी, हम इसको बोलते हैं C2। क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। ये हो गया हमारा इथेनॉल। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनी और एनर्जी बनी। एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है? एटीपी की फॉर्म में बन रही है। यहां आपको ध्यान रखना है एटीपी के बारे में। तो ये हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन आती है, ये आती है हमारी मसल सेल्स के अंदर। कहां पे? मसल सेल्स के अंदर। सर मसल सेल्स में कैसे आती है? मसल सेल्स में ऐसे आती है कि जब कोई एथलीट हो, सपोज हम एथलीट का एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस वर्कआउट कर रहा है, या सपोज मैं आपको बोल दूं कि आप रनिंग करो और आप रनिंग करो, आप लगातार 3 घंटे तक भागते रहो, इज इट पॉसिबल? मैं आपको बोलूं लगातार बिना रुके 2 घंटे तक भागते रहो, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, तेज एकदम भागते रहो, पॉसिबल? क्या होगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स मांगती है ना, हमारी जो मसल्स होती हैं, ये जो वॉलंटरी जो मसल है हमारी, इनको रिलैक्स चाहिए, इनको रेस्ट फेस चाहिए चाहिए, है ना। कुछ मसल्स ऐसी भी होती है हमारी बॉडी में जिनको रेस्ट फेस नहीं चाहिए, जैसे कि कार्डियक मसल, उनको रेस्ट नहीं चाहिए और चाहे देना भी नहीं, अगर वो रुकी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना हमारे लिए। लेकिन कुछ मसल्स ऐसी हैं जिनको रेस्ट चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली जो है कहां हो रही है? हमारी मसल सेल्स के अंदर हो रही है, जहां पे क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है। और लैक्टिक एसिड क्या होता है आपका? एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहां पर भी एनर्जी निकल रही है, लेकिन एनर्जी कैसी है? एटीपी की फॉर्म में है, लेकिन कैसी है? बहुत लीस्ट अमाउंट में है। कैसी है? बहुत लीस्ट अमाउंट में हमें ये एनर्जी जो है वो देखने को मिल रही है। अब हुआ क्या यहां पे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बताया था ना अभी जब हमने पीछे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक पढ़ा था हमने। तो एरोबिक में हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। यहाँ क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म हो रही है एंड प्रोडक्ट्स में, यानी कि यहाँ पे ये होते हैं एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स में एनर्जी तो आ रही है, और एनर्जी कैसे आती है? बहुत हाई अमाउंट में आती है। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कैसी होती है? हाई होती है। हाई इन द सेंस कि ज्यादा होती है। हाई का मतलब क्या है यहाँ पे? ज्यादा होना है। 38 ATP मॉलिक्यूल्स एवरेज लगभग ली जो है वो इसमें रिलीज होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? लगभग 38 ATP मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं, जबकि यहाँ जो है हम बोलते हैं कि यहाँ कितने? लगभग 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं इसमें। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि लेस अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही है। ये चार्ट त्रिशूल की तरह आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, एनसीईआरटी का चार्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सवाल पूछा ही पूछा जाता है आपको। इसके एंड प्रोडक्ट्स मैंने इसलिए बताए थे यहाँ पे कि जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे इनके एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, तो कि कहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे हमने बोला कि इथेनॉल और लैक्टिक एसिड इस कंडीशन में बन रहे हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर तो जानते ही जानते हैं कि यहाँ पे एनर्जी तो निकल ही रही है, उसके साथ साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी यहाँ भी हो रही है, लेकिन कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था लार्ज और लेस। ये चीज़ें डिफरेंशिएट में पूछी जाती है, बहुत बार सवाल आया हुआ है। दैट इज़ अ पाथवे ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द वेरियस पाथवे। ये प्रोसेसिंग जो है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं, ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं। बेटा ग्लाइको जो वर्ड है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ग्लाइको जो वर्ड है वो ग्लूकोज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्लूकोज से रिलेटेड है। और लाइसिस का मतलब होता है, जब आप लाइसिस के बारे में बात करते हो तो लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट होना। क्या होता है? स्प्लिट होना होता है इसका मतलब, ठीक है। तो लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट होना, ध्यान रखिएगा। ये चीज आपको समझ आई ना, तो इसमें की पॉइंट्स क्या निकले? वही की पॉइंट्स जो हमने पीछे टेबल में अभी बात की थी, राइट। एंड प्रोडक्ट्स क्या है, लैक्टिक एसिड कहां से निकल रहा है। यहां से लैक्टिक एसिड से एक सवाल पूछा जाता है, और वो सवाल कुछ इस तरह से पूछते हैं कि जैसे जो एथलीट्स होते हैं उनकी बॉडी में क्रैम्प्स क्यों अकर होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां से जो सवाल पूछा जाता है ना, जब ये लैक्टिक एसिड वाला, मैं यहां पे बता रहा हूं कि लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने की वजह से
क्या देखने को मिलता है, क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। ये जो क्रैम्प्स होते हैं ना, ये इंडिकेशन है कि अभी मसल को रेस्ट देना है, रुकना है। तो ये क्रैम्प्स अकर होते हैं। सवाल आता है कि एथलीट्स की बॉडी में क्रैम्प्स अकर क्यों होते हैं, तो हमें क्या बताना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल। क्रैम्प क्यों आ रहे हैं? क्रैम्प इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है, क्योंकि क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। लैक्टिक एसिड ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन ये क्रैम्प्स जो हैं ये अकर होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। ये अलग है, ये चार पॉइंट्स अलग हैं, ये अलग है बिल्कुल, ठीक है, ये चीज अलग हो गई। तो ये एक चीज, यहां से सवाल इस तरह से बनता है। अब एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर होता है टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं, है ना, टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो स्लो होता है। आपने देखा होगा, इवन हम लोग भी जो ह्यूमंस हैं, हम लोग टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए, है ना। तो हमारे अंदर ये जो प्रोसेसिंग है वो कैसी होती है, स्लो होती है। स्लो इन द सेंस कि हम स्लो ब्रीद करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? स्लो ब्रीद करते हैं बच्चों। क्या करते हैं हम? स्लो ब्रीद करते हैं। जबकि आप ये जलीय जीव को देखोगे, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो आपके कहां रहते हैं, जो जल में रहते हैं, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्टर ब्रीद करते हैं। कैसा ब्रीद करते हैं? फास्टर ब्रीद करते हैं। किसके कंपैरिजन में? इन ह्यूमन के या इन टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। हमारे पास जो ऑक्सीजन मिल रही है वो सफिशियंट है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन मिल रही है इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, ये ऑक्सीजन कैसी मिल रही है? डिजॉल्व फॉर्म के अंदर मिल रही है। किस फॉर्म के अंदर मिल रही है? डिजॉल्व फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिल रही है। क्या बोलते हैं हम इसको? डिजॉल्व फॉर्म का नाम देते हैं। तो ये कैसी मिल रही है हमें? डिजॉल्व फॉर्म में। हमें नहीं, इन द सेंस, मेरा हमें से मतलब है इन ऑर्गेनिजम्स को। तो डिजॉल्व फॉर्म यानी कि वाटर के अंदर डिजॉल्व है। तो अपने ऑक्सीजन के नंबर्स को पूरा करने के लिए इनको फास्टर ब्रीद करना पड़ता है। तभी आपने देखा होगा कि कितनी तेजी से इनका जो मुंह है वो चलता रहता है ना, फिशेज वगैरह का। जबकि हम नॉर्मल जो रेट है हमारा 12 से 16 टाइम हम इनहेल मतलब करते हैं इस तरह से। ये जो ब्रीदिंग रेट है ना हमारा, ये 12 टू 16 टाइम, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो 12 टू 16 टाइम पर मिनट हमें देखने को मिलता है एवरेज। अब ये नहीं कि आप लोग रनिंग करके और उसके बाद बोले नहीं सर 12 से 16 टाइम नहीं, मेरा तो 50 जा रहा था, मेरा तो 30 जा रहा था, वो चीज नहीं। नॉर्मल जब आप बैठे तो 12 से 16 टाइम जो है देखने को मिलता है। जबकि यहां एक नॉर्मली ये कैसे करते हैं? फास्ट ब्रीद करते हैं। सवाल आता है, सवाल पूछा जाता है कि व्हाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीद फास्टर देन द टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये सवाल आता है। तो आंसर क्या है? क्योंकि इनको जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कैसे लेते हैं? डिजॉल्व फॉर्म में। जबकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो सफिशियंट है हमारे पास। वो ऑक्सीजन कैसी है? सफिशियंट है हमारे पास। और हमें हमारे एटमोस्फेयर में कैसी मिल रही है? हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है, वो हमारे पास 21% इनफ है हमारे एनवायरनमेंट में। और इनको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कैसी मिल रही है? वो डिजॉल्व फॉर्म में मिल रही है। सो आई होप कि आपकी ये चीज जो है वो अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए गैसेस एक्सचेंज तो प्लांट्स में भी हो रहा है ना, प्लांट्स में भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो वहां पे भी हो रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में आपकी बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा। इसमें हम देखते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, सिर्फ इतनी ही बात वहां पर की गई है। तो कैसे होता है? एस्टोमेटा इन लीव्स, हमने पढ़ा था ना वहां पे गार्ड सेल्स के बारे में, एस्टोमेटा के बारे में। तो वहां से हमें देखने को मिलता है लीव्स में, राइट। उसके अलावा ये लेंटी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये एक तरीके के पोरस टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं? एक तरीके के पोरस टिश्यूज होते हैं। और इनके अंदर मैं बताऊं तो जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना जी,
तो जो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो भी काफी होता है। ये जो टिश्यूज होते हैं इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस काफी हमें देखने को मिलता है इन सेल्स में, राइट। तो ये स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं उसमें, जो एक्सचेंज करने में, गैसेस एक्सचेंज करने में अपना रोल प्ले करते हैं ये, राइट, अपना रोल प्ले करते हैं। बाकी रूट्स की जनरल सरफेस से भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। जो रूट्स होती हैं, जब आप किसी प्लांट्स की देखते हैं, सपोज ये कोई ट्री है और ये उसकी नीचे जो है रूट्स हो गई, ठीक है जी, लेट सपोज कि ये जो है उसकी वो रूट्स हो गई, तो यहाँ पर इन रूट की जो, इन रूट्स की जो जनरल सर्फेसिस है हमें इन सर्फेसिस से भी देखने को मिलेगा मिलेगा। यहाँ से हमें इनकी सर्फेस से देखने को, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है यहाँ से भी होती है, राइट। इस तरह से इन कुछ पार्ट से जो है रेस्पिरेशन यहाँ देखने को मिलता है। इतना ही है, बाकी जो डिटेल्ड है वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि कैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो होती है, ठीक है, क्योंकि सिंपलर है, एक्चुअली सिंपलर है, कॉम्प्लेक्स पार्ट हम कर ही नहीं रहे। हम यहाँ जो मेजर डील कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किसके साथ, एनिमल फिजियोलॉजी में भी हम ह्यूमंस के साथ जो है इसमें डील कर रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं, सो नेक्स्ट, यानी कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ सवाल जो आते हैं। अब सवाल कौन कौन से हैं जो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्या एडवांटेज ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, अभी हमने बात की थी ना कि ये एडवांटेज है कि यहाँ इनको जो मिल रही है ऑक्सीजन वो बहुत फ्रीली मिल रही है। यहाँ जो ऑक्सीजन मिल रही है, हमने बात की थी ना कि आसानी से इनको मिल रही है, आसानी से मिल रही है, क्योंकि हमारा जो एटमोसफेयर है जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो लगभग 20% 21% जो है हम ऐसा मानते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रीथ करने में, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ब्रीद करने में, हम आसानी से कर सकते हैं। जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेचारे कैसे लेते हैं, वो डिजॉल्व फॉर्म में उसको ऑप्टेन करते हैं, यानी कि पानी से उनको ऑक्सीजन निकालनी है। कहां से निकालनी है, उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसको वहां से निकालनी है, इसलिए वो बेचारे कैसे करते हैं, ब्रीथ फास्टर करते हैं। ये एक ओवर एडवांटेज है इनका जो हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेसिंग के अंदर। उसके अलावा जब हम आगे इसमें बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, कौन कौन से डिफरेंट वेज के बारे में हमने बात की थी। अभी आपने एक चार्ट बनाया था जहां पे आपने ग्लूकोज के साथ साथ आपने उसको साइटोप्लाज्म जो पायरुवेट में ब्रेक डाउन किया था, और उसके बाद पायरुवेट के बाद आपने उसको तीन भागों में डिवाइड किया था, जिसमें आपने एक देखा था क्या, एक आपने देखा कि आपका जो यीस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, दूसरा आपने देखा उसमें कि मसल सेल में जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, और उसके बाद जो आपने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको कंडीशन देखने को मिल रही थी, यानी कि ये जो कंडीशन दो है वो एनारोबिक की आपको देखने को मिल रही है, और ये वाली जो कंडीशन है वो आपको किसकी, एरोबिक की। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपको एग्जैक्ट वो जो चार्ट है ना, वो जो पाथवे है वो पूरा यहां पे ड्रॉ करना है, ठीक है, समझ आई ना। वेरियस, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, कई बार आया है ये, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि डिफरेंट वेज कौन कौन से हमारे पास, तो ये डिफरेंट वेज हो गए हमारे पास। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों इसका जो जवाब है ना वो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में, कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है, जब हम पाथवे के बारे में बात करेंगे तो मैं वहाँ इस क्वेश्चन के साथ आपके साथ डील करूँगा। ध्यान रखिएगा, इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, नहीं तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, आप लोग समझ लो। फिर भी डायरेक्ट अगर मैं बताऊँ तो ऑक्सीजन कैसे जाती है, ये जाती है पहले हीमोग्लोबिन के अंदर, और हीमोग्लोबिन जो है वो इसको बाइंड करता है, राइट। तो अब ये प्रोसेस कैसी होती है सर, हीमोग्लोबिन की
तो आप डिटेल में बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है, तो ये जाती है कैसे आपकी डिजॉल्व फॉर्म के अंदर, कैसे जाती है डिजॉल्व फॉर्म में, सॉरी डिजॉल्व फॉर्म में कैसे जाती है, जब हम पूरा पाथवे पढ़ेंगे ना, जब हम पूरा पाथवे पढ़ेंगे कि नॉस्ट्रल से कैसे अंदर जाके वे एल्वियोलाई तक गई, तब हम वहां पे उसको डील करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे डील करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखिए हमने अभी लंग्स के बारे में तो हमने बात नहीं की, सो हमने जो बात की अभी हमने सिर्फ सिंपल रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझा। हम देखेंगे इस क्वेश्चन को भी जब हम लोग लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे कि लंग्स को डिजाइन किस तरह से किया गया है। लंग डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो इसको भी हम वहीं पर डिस्कस करेंगे जब हम लोग लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसको भी अभी हम कैसे रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। How, why do we get muscular cramps on vigorous exercise? अभी मैंने बताया था ना कि ये cramps क्यों अकर होते हैं, just because of the accumulation of lactic acid. किस वजह से होते हैं ये, lactic acid in our muscle cell. किसमें देखने को मिलती है, हमारी मसल सेल में लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से, एक्यूमुलेट होने की वजह से क्रैम्प्स जो है वो आकर होते हैं जब हम वाइग्रस एक्सरसाइज करते हैं। ये ज्यादातर ये चीजें जो है कहां देखने को मिलती हैं, ये जो अकर होती हैं चीजें कहां पे होती हैं, ज्यादातर ये एथलीट्स की बॉडी में हमें देखने को मिलती हैं, ज्यादातर कहां पे एथलीट्स की बॉडी में जो है वो देखने को मिलती हैं। अगला, where does glycolysis occur in the cell? मैंने अभी बताया था ना कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, मैंने अभी बात की थी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर टूट रहा है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये कहां हो रहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर, कहां हो रहा था, इन साइटो प्लाज्म में, ये चीज हमने देखी थी ना, तो आंसर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। देखिए सवाल कहां से आया, उसी चार्ट से सवाल आया, राइट उसी चार्ट से ये क्वेश्चन जो था वो आया। तो हमने क्या देखा था कि जब पाइरुवेट बना था तो पाइरुवेट तक तो आप वैसे लिखेंगे रिएक्शन, है ना, एग्जैक्ट वही कि यहां पे ग्लूकोज था और ये जो ग्लूकोज था आपका ये पाइरुवेट बना था, और उसके बाद आपकी यीस्ट के अंदर क्या बन रहा था, इथेनॉल बन रहा था, क्या बन रहा था, इथेनॉल बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी और उसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी थी वो भी रिलीज हो रही थी। लेकिन ये जो एनर्जी थी ये कैसी थी, ये लीस्ट अमाउंट में थी, कैसी थी ये जो एनर्जी थी वो कैसी थी, लीस्ट अमाउंट में हमें देखने को मिल रही थी। तो ये चीज आपको इसके अंदर देखनी है कि ये बना, यानी कि उसने पूछा है बेसिकली इस रिएक्शन के बारे में यहां पे बात की जा रही है, किसके बारे में, ये जो रिएक्शन है इसके बारे में यहां पे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये हमने लिख दी। ये थे कुछ सवाल जो हमने इसके अंदर देखे। मैंने आपको कहा है कि हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को होल्ड पर रख रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन जो बीच में आए वो इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर ही नहीं रहे थे, उनको हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम करेंगे अपने उस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, यानी कि लंग्स वाले, जब हम ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि मैं आपके इस वीडियो में कुछ डाउट्स क्लियर कर पाया हूं, किसको लेके, ह्यूमन रेस्पिरेशन को लेके या फिर सिंपल रेस्पिरेशन की प्रोसेस को लेके। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डील करेंगे। सो टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।